दिल्ली के जीटी करनाल हाईवे को बुराड़ी की ओर से आईएसबीटी की ओर जाने वाले रोड को पिछले कई घंटों से जाम कर दिया गया था। जाम लगाने वाले लोग नॉर्थ दिल्ली के संगम विहार और जरोड़ा कॉलोनी के निवासी थे, जिनका कहना था कि दीपावली वाले दिन अचानक से उनके मोबाइल पर दिल्ली सरकार के लैंड एंड डिपार्टमेंट की ओर से मैसेज आता है, जिसमें संगम विहार और जरोड़ा कॉलोनी में रहने वाले लोग का घर आने वाली 19 तारीख को तोड़ दिया जाएगा, जिसको लेकर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरी तरह बिगड़ी हुई है। जाम लगाने वालों का कहना है कि जब तक दिल्ली सरकार की ओर से कोई पुख्ता जवाब नहीं मिलेगा, तब तक प्रदर्शन करने वाले लोग रोड को खाली नहीं करेंगे। हालांकि दिल्ली पुलिस को दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से इन लोगों को मिले नोटिस को ध्यान रखते हुए प्रदर्शनकारियों को हटाने की पूरी तैयारी में है। मेरा नाम गौरव खारी है। आप लोग पार्षद हैं, आपके क्या मामला है? लोग इकट्ठे हुए, आप पार्षद हैं, इनके मकान तोड़ने की बात जो है वो कही जा रही है, कोर्ट से नोटिस आया। ये एक 17 बीघे जमीन का इशू है सारा का सारा, और पहले कहा गया है कि कस्टोडियन की जमीन है, और 2015 के अंदर उसको ये कह के कस्टोडियन की जमीन कह के उसको उनको अलॉट भी कर दी कि जमीन खाली पड़ी है, और जबकि 2015 में भी यहाँ 1000 से ज़्यादा घर लोग रहते थे। रहने के बावजूद ऐसी कौन से किसने ऐसी सर्वे रिपोर्ट बनाई और दे दी, और देने के बाद वो अंदर ही अंदर चलता है, किसी को पता नहीं कौन सी रिपोर्ट बनी, कौन आया सर्वे करने के लिए। वो कोर्ट में जाता है, कोर्ट उसको डिग्री भी कर देती है, उसके बाद उसके पास मिलती नहीं है, फिर कंटेम्प्ट में भी चला जाता है। कंटेम्प्ट के बाद अधिकारी एकदम जाग जाते हैं, अरे सर हज़ारों लोग यहाँ पर रहते हैं, और उसकी ज़मीन जिसकी कहते हैं, जिस ज़मीन को कस्टोडियन कह रहे हैं, जो नापने आए थे अधिकारी कोर्ट के प्रेशर से इतना नापने आए थे, उन्हें ये भी नहीं पता था नापने आए थे 17 बीघे, फीता मारा उन्होंने 170 बीघे पे, किसी को नहीं पता, हर किसी को पैनिक डाल के चले गए। वो कहते हैं यहाँ तो 200 लोग रहते हैं, 500 रहते हैं, 1000 रहते हैं, अरे हज़ारों से ज़्यादा तो यहाँ पर आप देख सकते हो लोग आए हुए हैं, पूरे क्षेत्र में पैनिक है, हालत ख़राब है। दिल्ली सरकार का एक अधिकारी, उनकी गलती का खामियाजा सारे के सारे लोगों को, हमारे लोगों को भुगतना पड़ रहा है।